मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में मेंशन किया जाता है अब क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं बोरोविंग्स की तो कंपनी अमाउंट को बोरो तो कर सकती है वो ये अथॉरिटी उसको मिलती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कंपनी कितना अमाउंट बोरो कर सकती है कहाँ से कर सकती है वो सभी कुछ मेंशन किया जाता है आर्टिकल्स में अब अगर कोई कंपनी उस आर्टिकल्स की अथॉरिटी के आउटसाइड जाकर कुछ बोरो करती है तो वो कहलाता है अल्ट्रा अल्ट्रा वायरस वायरस बोरोइंग्स वॉइड मानी जाती हैं। वॉइड एबिनिशियो मीन्स इनका कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है इन सच अ केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड द लेंडर कैन नॉट सी कंपनी फॉर द रिटर्न ऑफ द लोन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है और जो लेंडर है वो कंपनी के अगेंस्ट सूट नहीं कर सकता फॉर द रिटर्न ऑफ द लोन द सिक्योरिटीज गिवन फॉर सच अल्ट्रा वायरस बोरोविंग्स आर आल्सो वॉइड एंड इनऑपरेटिव जो भी सिक्योरिटीज दी जाती हैं इस बोरोविंग्स के लिए वो भी इनऑपरेटिव मानी जाती हैं अब उन बोर को रेटिफाई नहीं कर सकते, सकते क्यूँकी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होता है जो कोई भी जनरल पब्लिक उनको रीड कर सकती है तो जब भी कंपनी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो वॉइड एबिनेशियो है या अल्ट्रा वायरस है तो यह माना जाता है कि सामने वाली पार्टी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रीड आउट कर रखा होगा या उनकी जानकारी में ही ये लोन दिया गया होगा इसीलिए ये बोरविंग्स वायरस बोरिंग्स कहलाती हैं और शेयर होल्डर्स भी इनको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं अब लेंडर स्यू नहीं कर सकता है पर कंपनी को तो इस केस में लेंडर को क्या किया गया है लेंडर को इसके लिए तीन फॉलोइंग रेमेडीज प्रोवाइड की गई है First recovery is injunction and recovery. इसमें क्या होता है अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मींस जो लेंडर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो आपका पैसा दिया गया है वो किस यूज में हो रहा है तो उस केस में इंजंक्शन कर दिया जाता है मीन्स स्टॉप कर देते हैं पेमेंट को एंड सो यू कैन नॉट डू एनी थिंग विद दिस मनी अब क्योंकि आप ट्रैक कर पा रहे हैं और अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं मीन्स अगर ट्रैक कर पाते हैं तो उस मनी को इंजंक्शन कर दिया जाता है बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा गया कहाँ या किस यूज में आ गया तो उस केस में दी जाती है आपको सेकेंड रेमेडी नाउ द रेमेडी इज़ सब्रोगेशन। अब अगर आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका पैसा गया कहाँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ यूज हो गया है तो उस केस में आता है सब्रोगेशन अब सपोज जो मनी था वो यूज कर दिया गया है टू पे ऑफ दॉफुल डेट्स ऑफ दिन मीन्स जो आपका पैसा था वो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज कर दिया गया है अब क्रेडिटर्स से जो लेंडर है वो अपने पैसे वापस कैसे लेगा सो इन लेंडर है दैट विल शिफ्ट इन शूज ऑफ क्रेडिटर्स मीन्स अगर क्रेडिटर्स को पैसे नहीं मिलते तो क्रेडिटर्स के पास जो भी राइट्स थे अगेंस्ट कंपनी वो सारे राइट्स अब लेंडर को मिल जाएंगे और लेंडर कंपनी के अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकता है या जो भी उसके पास राइट्स हैं वो फॉलो कर सकता है अपने पैसे को लेने के लिए वापस सो टोटल इंडेपनेस ऑफ द कंपनी विल रिमेन द सेम नेक्स्ट इज सूट अगेंस्ट डायरेक्टर्स तो so स्पेशली उस केसेस में जहाँ डायरेक्टर्स डेलीबरेटली या जानबूझ बूझ के मिसरिप्रजेंट करते हैं अपनी अथॉरिटी को तो वहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील हो जाता है मींस जो कंपनी की जो कॉरपोरेट व्हील होती है उसको लिफ्ट कर दिया जाता है और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है ना वॉट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स Thank you so much. Stay connected for further videos.